खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं विशेषज्ञों से अलग अलग बीमारियों पर और जानते हैं बीमारियों के इलाज और उपाय के बारे में। और आज हम बात करेंगे सबसे अहम टॉपिक ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी समस्या है जो आमतौर पर दिमाग में रक्त का प्रवाह रुक जाने के कारण होती है। इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के दिमाग की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, जिसके बाद दिमाग को काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ब्रेन स्ट्रोक को एक प्रकार का हार्ट अटैक कहे तो कोई हैरानी नहीं होगी। ये एक तरह का हार्ट अटैक ही होता है, लेकिन ये दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। ब्रेन स्ट्रोक से जुड़ी तमाम जानकारी हमें देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एमडी डीएनवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राघव गोपाल पोडुवल, जिन्हें न्यूरोलॉजी में 27 साल का अनुभव है और वो एक वरिष्ठ अस्पताल में वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहला सवाल कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है और कैसे होता है ब्रेन स्ट्रोक? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक कैसी स्थिति है जहाँ अचानक ब्लड सप्लाई जो ब्रेन के लिए वो रुक जाती है और जिसकी वजह से ब्रेन की जो फंक्शन है, चाहे जो बोलने का फंक्शन है, दिखाई देने का फंक्शन है या हाथ पैर काम करने का फंक्शन है, वो अचानक रुक जाती है। तो इसकी कारण हो सकता है ब्रेन के अंदर जो रक्त कोश है उसके अंदर एक क्लॉट हो जाए, या हार्ट के अंदर क्लॉट है वो ट्रैवल करके ऊपर जाके बंद करे। तो ये इसकी वजह से जो सडन सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन के लिए, वो अचानक रुक जाती है। इसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक से फिजिकल और केमिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं ह्यूमन बॉडी में? अच्छा, ज़्यादातर केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो ब्रेन में होती है। ब्रेन की जो टिश्यू है, जब ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो उसको इन्फार्क्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन सॉफ्ट होके गल जाती है और उसकी जो फंक्शन है, जो हर ब्रेन की एक विभाग होते हैं, और जैसे देखने का विभाग है, स्पीच का विभाग है, वो एरिया जो सॉफ्टन होता है, जो इन्फार्क्शन हो जाता है, वो सडनली ख़त्म हो जाता है। इससे जो केमिकल चेंजेस जो है, मैंने जैसे बताया, सॉफ्टन हो जाता है ब्रेन, इन्फार्क्शन होता है, और जो मैकेनिकल और फिजिकल चेंजेस है कि उस भाग जो है काम करना बंद रहता है जी। तो पेशेंट अपाइज हो जाता है, अंधा हो सकता है, बिल्कुल बोल नहीं पाता, ये है उसके जो परिणाम जी। इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचाने कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक है? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक का जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़रूरी है पहचानना। अब आप देख लेंगे कि हार्ट अटैक जो है, जिसमें छाती में दर्द होने की वजह से तुरंत पहचान ली जाती है और पेशेंट तुरंत अस्पताल में पहुंच जाता है। अनफॉर्चुनेटली, किस्मत की बात है कि ब्रेन स्ट्रोक जो है सटल होता है इनिशियली। सटल चेंजेस मतलब पहले बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, या पेशेंट बोलते हैं मुझे थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, या पेशेंट बोलते हैं मेरा हाथ पैर थोड़ा हल्का सा कमज़ोर है। तो पहले पेशेंट सोचते हैं हो सकता है मुझे थोड़ी नस चढ़ गई हो या मुझे दुख कैटरैक्ट हो, अलग अलग चीज़ों के सोच से वो ब्रेन स्ट्रोक को पहचान नहीं लेते। तो जब भी ऐसे कोई भी लक्षण सडनली होते, जैसे मैंने बोला ब्रेन स्ट्रोक हमेशा सडन ऑनसेट है, बिल्कुल नॉर्मल आदमी को सडनली अगर बोलने में तकलीफ हुआ है या सडनली उसको दिखाई देने में तकलीफ, तो ये ब्रेन स्ट्रोक की पहचान है। अगर बात करी जाए एक ऐसे मरीज की जिसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो उसको अस्पताल ले जाने में कितना समय लगना चाहिए, यानी कितने समय के अंदर उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, उसका पर्याप्त इलाज देना चाहिए? हाँ, तो आजकल हमारे पास जो ब्रेन स्ट्रोक है उसके लिए एक अलग किस्म की दवाई अवेलेबल है, जो ये क्लॉट को, जो रक्त कोश के अंदर क्लॉट है, उसको डिसॉल्व कर सकता है। तो ये दवाई जो है 4.5 घंटे से अंदर ही इफेक्टिव है, उसके बाद ये दवाई का असर नहीं होता। और एक बात आपको पता होना चाहिए, ब्रेन स्ट्रोक बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है क्लॉटिंग, जो 80% ब्रेन स्ट्रोक क्लॉटिंग की वजह से, और 20% जो स्ट्रोक है वो ब्लीडिंग की वजह से। तो हम ब्लीडिंग स्ट्रोक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए जो टाइम पर दवाई देना जो है वो हमारे पास खास नहीं है। लेकिन जो क्लॉटिंग जो स्ट्रोक है, जो 80% लोगों को पीड़ित है, उसमें जो है अगर 3 घंटे के अंदर, और अभी 4-4.5 घंटा भी हुआ है के अंदर, अगर पेशेंट पहुंच जाए तो ये दवाई अगर दे दें तो ये क्लॉट डिसॉल्व करके काफ़ी ब्रेन की सैल्वेज कर सकते हैं, ब्रेन को हम रक्षा कर सकते हैं। अगर बात करें ब्रेन स्ट्रोक में लाइफ सिक्योर की,
यानी कि जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो माना जाता है कि बहुत सीरियस है, कभी कभी रास्ते में ही लोगों की डेथ हो जाती है, तो जो लाइफ सिक्योरिटी है वो कितनी परसेंटेज रहती है उसकी? तो ब्रेन के जैसे मैंने बोला अलग 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 किस्से हैं, विभाग है, तो एक पोस्टीरियर सर्कुलेशन जो हमारी नीचे वाली ब्रेन की जो एरिया है वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, अगर वहाँ अगर भयानक स्ट्रोक हो जाए तो पेशेंट सडनली उनकी जीवन जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर स्ट्रोक जो है ऊपर जो ब्रेन के ऊपर वाले हिस्से में होती है उसमें लाइफ की इमीडिएट थ्रेट नहीं है, ज़्यादातर ब्रेन की जो नष्ट होने की वजह से पेशेंट अपाइज होता है, बात करना बंद हो जाता है, दिखने में अंधा हो जाता है, ऐसी स्थिति होती है। लेकिन इसको भी हम अगर टाइम पे पेशेंट को अस्पताल में पहुंच जाए और ये दवाई दे दें तब ये सारी चीज़ जो है रिवर्स कर सकते हैं। जी, किस एज के लोगों को ब्रेन स्ट्रोक सबसे ज़्यादा होता है? तो ब्रेन स्ट्रोक के लिए रिस्क फैक्टर्स एक तो है एज, तो ज़्यादातर जो है 50-55 से ज़्यादा एज को लोगों को स्ट्रोक होता है। जैसे ही पेशेंट्स की एज बढ़ती है तो उनको स्ट्रोक होने का चांस ज़्यादा हो जाता है जी। और लेकिन यंग स्ट्रोक्स जो कम उम्र वाले स्ट्रोक पेशेंट्स भी होते हैं उनको पहले से कुदरती ब्लड क्लॉटिंग होने की बीमारियाँ हैं या उनके हार्ट में कोई वैल्व प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्लॉट वहाँ से टूट के ब्रेन में जाके ब्रेन स्ट्रोक करता है। लेकिन अधिकतर जो नॉर्मल स्ट्रोक्स हम देखते हैं वो ज़्यादातर बड़ी उम्र में 55 साल के बाद होता है जी। ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए पहले से कौन सी सावधानियां करी जा सकती है? तो ये ब्रेन स्ट्रोक जो है बहुत से रिस्क फैक्टर्स की वजह से है, जैसे स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पुअर लाइफस्टाइल, इन लोगों को ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा होने के चांसेस है। तो स्मोकिंग, तंबाकू ये इमीडिएटली बंद करना चाहिए, डायबिटीज़ को अच्छे कंट्रोल में रखो और बीपी को कंट्रोल में रखो, और अच्छा लाइफस्टाइल जैसे फिजिकल एक्टिविटी, योगा, मेडिटेशन, ऐसे चीज़ करने से ब्रेन स्ट्रोक की जो इंसिडेंट है काफ़ी कम हो सकता है जी। कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे पीड़ित लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है ब्रेन स्ट्रोक के लिए? बेसिकली दो बीमारियाँ हैं, एक है डायबिटीज़ और एक है हाइपरटेंशन। इन दोनों का जल्द से जल्द डिटेक्शन, डायग्नोस करके उसको ट्रीट करना चाहिए। इसके अलावा और भी है, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है जिनको रीनल ट्रांसप्लांट है, इन लोगों को भी, और जिनको हार्ट अटैक पहले हो चुका है, जिनकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हो, ज़्यादा हो, ऐसे पेशेंट्स भी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। लेकिन जो प्रमुख बीमारियां हैं वो डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन। क्या ब्रेन स्ट्रोक की भी स्टेजेस होती हैं, अलग अलग स्टेजेस जिसमें उनको पहचाना जा सके, और डेंजरस स्टेज कौन सी होती है? हाँ, तो पहले जो ब्रेन स्ट्रोक जो हल्का स्टेज है उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक, जिसमें थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई कम होने के बाद तुरंत ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाता है। लेकिन इसके दौरान पेशेंट्स को थोड़ी देर तक, जैसे 1 घंटे से लेके 12 घंटे तक थोड़ा वीकनेस हो जाता है या धुंधला दिखाई देता है और तुरंत नॉर्मल हो जाता है, इसको ये ले अर्ली स्टेज बोलते हैं। और लेट स्टेज में जो परमानेंट डिफिसिट हो जाता है, जैसे कंप्लीट पैरालिसिस हुआ, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हुआ, बिल्कुल बोलना बंद हुआ, ये लेट स्टेज हो जाता है। आजकल ब्रेन टीवी नाम की बीमारी भी बहुत चल रही है, तो क्या ब्रेन टीवी और ब्रेन स्ट्रोक इन दोनों में कोई कनेक्शन है? क्या ब्रेन टीवी से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है? तो ब्रेन टीवी जो बिल्कुल एक अलग किस्म की बीमारी है, उसमें पेशेंट को बुखार, सर दर्द, उल्टी और फिर धीरे धीरे उनकी बेहोशी होती है, तो उनमें जो है इनके जो रक्त कोष है, जो छोटे छोटे रक्त कोष है, बहुत से ब्रेन टीवी की वजह से बंद हो जाते हैं और उनको भी स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। लेकिन ये जो सिम्टम्स है स्ट्रोक के ब्रेन टीवी में काफ़ी एडवांस ब्रेन टीवी में होता है, तब तक पेशेंट को काफ़ी दिन से बुखार हो रहा होगा, काफ़ी दिन से हेडेक हो रहा होगा, और इनमें से सम परसेंटेज ऑफ पेशेंट ब्रेन टीवी को स्ट्रोक होता है। इसको स्ट्रोक नहीं बोलेंगे, इसको वैस्कुलाइटिस बोलेंगे जी, क्योंकि जो ब्रेन स्ट्रोक में ब्लड वेसल्स अफेक्ट होते हैं उनके अलग किस्म के ब्लड वेसल्स ब्रेन टीवी में अफेक्ट हो जाते हैं। तो ब्रेन टीवी और ब्रेन स्ट्रोक क्या इनके लक्षण अलग अलग होते हैं या एक जैसे होते हैं? नहीं, लक्षण तो एक जैसे ही होंगे, लेकिन लक्षण के साथ साथ ब्रेन टीवी में और भी लक्षण होंगे, जैसे बहुत दिन से सर दर्द होगा, बहुत दिन से उल्टियाँ होंगी, बहुत दिन से, और कभी कभी पेशेंट बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसे लक्षण जो सर दर्द, बुखार, ये आपको आमतौर जो नॉर्मल ब्रेन स्ट्रोक है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन में, इसमें आपको नहीं मिलेंगे। ब्रेन स्ट्रोक के इलाज के बारे में बात करें तो लोग जागरूक नहीं है, क्या इसका भारत में इलाज है? जी हाँ, बिल्कुल है, हमारे पास सारे आधुनिक चीजें हैं, दवाइयाँ हैं,
और ब्रेन स्ट्रोक को टाइम पे इलाज करने के लिए, लेकिन पेशेंट में जागरूक होना चाहिए कि ब्रेन स्ट्रोक है क्या, और जितने से जल्दी जो अस्पताल उनके घर से नज़दीक है जहाँ ये ट्रीटमेंट उपलब्ध है वहाँ पहुँच जाना चाहिए जी। अब अक्सर क्या होते हैं, छोटे अस्पताल पहुँच जाते हैं वहाँ ये ट्रीटमेंट की सुविधाएं नहीं है और जो कीमती समय है वो निकल जाता है और फिर उसके बाद बड़े अस्पताल जाने से कोई खास फायदा नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास जो स्ट्रोक सेंटर्स हैं, जो प्रमुख अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट पोस्टेड है, जहाँ हमारे पास स्ट्रोक सेंटर्स है, जहाँ हमारे पास ये ब्रेन स्ट्रोक रिवर्स करने के लिए दवाइयाँ उपलब्ध है, वहाँ अगर 4.5 घंटे के अंदर पेशेंट पहुँच जाता है तो टाइम पे दवाई देने से काफ़ी जो डैमेज है ब्रेन से उसको बचा सकते हैं जी। तो ये जो ब्रेन स्ट्रोक का इलाज होता है ये कितना लंबा होता है और किस तरीके का इलाज दिया जाता है? तो बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक के हमारे पास 3 टाइप के इलाज है। पहला इलाज जो आपको टाइम पे पहुँचने से हम ये दवाई जो क्लॉट बस्टर है इसको हम टेनेंटिप्लेस बोलते हैं, वो देते हैं क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, वो पहला इलाज है। सेकेंड इलाज है पेशेंट को ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कभी ब्रेन स्ट्रोक से मिर्गी आती है, कभी निगलने में तकलीफ होती है और कभी उनकी सांस में ब्लॉकेज हो सकता है, इस चीज़ की इलाज होती है। और थर्ड है रिहैबिलिटेशन, जो पेशेंट को डिस्चार्ज करने के बाद फिजियोथेरेपी देते हैं और दोबारा ब्रेन स्ट्रोक ना होने के लिए लाइफ लॉन्ग उनको किस्म किस्म के दवाई लेनी पड़ती है जी। तो क्या ऐसा भी संभव है कि इलाज के बाद भी ये बीमारी फिर से लौट आए? तो अगर हम ये ट्रीटमेंट ना दे तो पेशेंट को 40-60% चांस है कि फिर से ब्रेन स्ट्रोक, लेकिन हम ये अगर ये दवाइयाँ दे, जैसे एस्पिरिन है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स है, अगर ये दे दे तो ये जो परसेंटेज और रिकरेंट स्ट्रोक जो है वो कम से कम 10% तक हो जाता है, तो काफ़ी मात्रा में हम उसको कम कर सकते हैं दोबारा स्ट्रोक होने का जी। कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं कि लोगों को सोते समय ब्रेन स्ट्रोक आता है, तो ऐसे में क्या करें? सोते हुए स्ट्रोक ज़्यादातर क्यों होता है, क्योंकि सोते टाइम पे हमारी ब्लड प्रेशर कुदरती से कम हो जाता है और वैसे ही अगर पेशेंट के अगर गर्दन में रक्त कोश में कोई स्टेनोसिस हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो ब्लड सप्लाई और कम होने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादातर नींद में हो जाते हैं, लेकिन पेशेंट को तब पता नहीं लगता, जब सुबह उठता है तब उसको पता लगता है कि हमको स्ट्रोक हुआ है, ताकि एक साइड पैरालाइज हुआ या बोलना बंद हो गया। तब भी हमारे पास अगर MRI की एक सुविधा है, अगर MRI करें उस सीक्वेंस से पता लगे, आइडिया हो जाए कितना घंटा पहले हमको स्ट्रोक हुआ है जी। और हो सकता है जागने से बस आधा घंटा पहले हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में हम वो क्लॉट बस्टर ड्रग दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लो बहुत देर हो चुका है, जैसे रात को 10 बजे स्ट्रोक है और 11 बजे के आसपास स्ट्रोक हुआ और सुबह उठने का पता लग गया, तब तो बहुत लेट है, तब तो ये क्लॉट बस्टर ड्रग देने की फायदा नहीं जी। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को पता चल जाता है लक्षण देख के कि ये ब्रेन स्ट्रोक है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें पता नहीं होता कि इलाज के लिए कहाँ जाए, किस विशेषज्ञ से मिले, तो इसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। बहुत ज़रूरी है, उनको पता होना चाहिए स्ट्रोक सेंटर या कोई भी हॉस्पिटल में जहाँ कोई फिजिशियन अवेलेबल हो। आजकल हर फिजिशियन को ट्रेनिंग किया जाता है किस तरह ब्रेन स्ट्रोक को ट्रीट करें, तो कोई भी फिजिशियन जहाँ हॉस्पिटल में हो, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक फिजिशियन जरूर होगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि वहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाए और यह जो दवाई है उसको देने से ब्रेन स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं। अगर मान लो लेट भी पहुँच गए, 4.5 घंटे से लेकर 8 घंटे तक पहुँच गए, तो बड़े अस्पताल में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो कैथेटर की मदद से एक तार पास करके वो क्लॉट को खींच लेते हैं, उसके बाद भी काफ़ी ब्रेन को हम सेव कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ दवाई और ड्रग्स से ब्रेन स्ट्रोक को रोका जा सकता है या इसके लिए कभी कभी सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है? तो रोकने के लिए तो सिर्फ दवाइयाँ हैं, और अगर मान लो पहले से ही पेशेंट के गर्दन में जो बड़े बड़े रक्त कोश जो हार्ट से लेके ब्रेन में जाते हैं, अगर उन रक्त कोश में कोई ब्लॉक है तो उनको सर्जरी के जरिए उस ब्लॉक को क्लियर कर सकते हैं, फिर पेशेंट को दोबारा स्ट्रोक होने का चांस बहुत कम हो जाता है। इसके बाद एक बार स्ट्रोक हो चुका है और पेशेंट मान लो 6-9 घंटे में आता है, तो एक तार के जरिए कैथेटर के मदद से उस क्लॉट को हम निकाल सकते हैं कैथ लैब से जी। और कभी कभी स्ट्रोक इतना बड़ा होता है कि पेशेंट की जान जा सकती है, क्योंकि ये स्ट्रोक की जो डैमेज ब्रेन है उसके चारों ओर पानी इकट्ठा होने की वजह से ब्रेन कंप्रेस हो जाता है और पेशेंट मरने के चांस है। इस टाइम हमारे न्यूरोसर्जन जो है इसको डीकंप्रेस कर सकते हैं, ये स्कल की एक हड्डी को निकाल के
ब्रेन को बाहर की तरह एक्सपेंड करने देते हैं। तो इन ऐसे सिचुएशन में सर्जरी करके पेशेंट को बचा जा सकता है। ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपनी डाइट में, कौन कौन सी चीजें डाइट में शामिल करें और किन चीजों को अवॉइड करें? तो ब्रेन स्ट्रोक जो मैंने बताया रिस्क फैक्टर्स की वजह से है। ब्रेन स्ट्रोक के लिए कोई डाइट स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप एक डाइट यूज इस्तेमाल अजमाएं जिससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल में हो, आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो और आपकी चर्बी और लिपिड्स कंट्रोल में हो, तो यह अपने आप ब्रेन स्ट्रोक को भी ख्याल करेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज हमारे साथ ब्रेन स्ट्रोक पर बात करने के लिए MD DNB वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राघव गोपाल पोडुवल मौजूद थे, जिन्होंने हमें ब्रेन स्ट्रोक से जुड़ी तमाम सावधानियों और उपाय के बारे में भी बताया। साथ ही साथ ये भी बताया कि भारत में इसका इलाज उपलब्ध है, समय पर इसकी पहचान करके हम बच सकते हैं और कई लोगों की जान भी बचा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ और जानेंगे विशेषज्ञ से उस बीमारी के बारे में। तब तक आप स्वस्थ रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।